है। लखनऊ से खबर है जहां बढ़ती ठंड पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दिए हैं। शीतलहर में कंबल बांटने और अलाव जलाने का निर्देश दिया है। सीएम योगी ने सभी जिलों के डीएम को ये निर्देश दिए हैं। शीतलहर में गरीबों और निराश्रितों को राहत पहुंचाने का आदेश दिया गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में बढ़ती ठंड पर दिशा निर्देश दिए। शीतलहर में कंबल बांटने और अलाव जलवाने का निर्देश दिया। सीएम योगी ने सभी जिलों के डीएम को ये आदेश दिया है। शीतलहर में गरीबों और निराश्रितों को राहत पहुंचाने का आदेश दिया गया। पूरी पारदर्शिता से किया जाए कंबल बांटने का काम। शीतलहर में राहत कार्य के लिए 19 करोड़ 25 लाख रुपए का बजट जारी किया गया है। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि शीतलहर के दौरान गरीबों और निराश्रितों को राहत पहुंचाने का काम पूरी ईमानदारी से करने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं होने दी जानी चाहिए और किसी जिले में अतिरिक्त पैसे की जरूरत पड़ी तो उसे दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर राजस्व विभाग ने शीतलहर में राहत कार्य के लिए 19 करोड़ 25 लाख रुपए का बजट जारी किया। कंबल बांटने के लिए प्रत्येक तहसील को 5-5 लाख और अलाव का 50-50 हजार रुपए दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने शीतलहर के दौरान गरीबों और निराश्रितों को राहत पहुंचाने के लिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं और साथ ही ये भी कहा है कि किसी भी जिले में अतिरिक्त पैसे की जरूरत पड़ी तो उसे दिया जाएगा, यानी कि बजट की कोई कमी नहीं पड़ेगी और 19 करोड़ 25 लाख रुपए का बजट शीतलहर में राहत कार्य के लिए जारी भी किया गया है। पैसे की कोई कमी होने नहीं दी जाएगी। गरीबों और निराश्रितों को शीतलहर के दौरान राहत पहुंचाने में काम पूरी ईमानदारी से करने के लिए कोई कमी नहीं होगी पैसों की। किसी जिले में अतिरिक्त पैसे की जरूरत पड़ी तो उसे भी दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर राजस्व विभाग ने शीतलहर में राहत कार्य के लिए 19 करोड़ 25 लाख रुपए का बजट जारी किया। कंबल बांटने के लिए प्रत्येक तहसील को 5-5 लाख और अलाव का 50-50 हजार रुपए दिया जाएगा। तो 19 करोड़ 25 लाख रुपए का बजट जारी किया है। शीतलहर में गरीबों और निराश्रितों के लिए बढ़ती ठंड से बचने के लिए कंबल और अलाव कंबल बांटे जाएंगे, अलाव जलवाने का निर्देश दिया गया है जिसके लिए बजट भी जारी कर दिया गया है और वहीं धनराशि भी दे दी गई है। तो कंबल बांटने के लिए प्रत्येक तहसील को 5-5 लाख और अलाव का 50-50 हजार रुपए दिए गए हैं।